Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. I'm also doing good. So, अभी टाइम हुआ है 8:30 एंड मैं और अंजलि अभी उठे हैं अभी सो के, बिकॉज रात को हमारा डिनर बहुत लेट हुआ था, आई थिंक 11:45 के अराउंड, एंड फिर ऑब्वियसली बात हम सोने में भी लेट हो गए, एंड अभी भी हमारा मन उठने का नहीं कर रहा था, वो हम इसलिए उठे बिकॉज यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो 10:00 का है. सो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, ऊपर ही मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट टेबल पे, एंड उसके बाद हमें मसूरी के लिए भी निकलना है. सो आप मेरी पूरी वीडियो देखना, मिलते हैं आपको बाद में. तूने नहीं पीना गर्म पानी? पीना है. सो मैं और अंजलि अभी नहा गए हैं, अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. सो चलो चलते हैं. अंजलि ना फर्स्ट टाइम लिफ्ट में जा रही है. आउच मोमेंट. कैसे लग रहा है? ऐसे तो लग रहा है आपके पैरों के नीचे से जमीन फिसल रही है. नहीं होता ही होता है यार. तूने क्या खाना है? जी पूरी या पराठा? पूरी. पूरी ऑरेंजली कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट हमने डिसाइड करा कि अंदर बैठ के नहीं करेंगे, हम बाहर टेरेस में करेंगे, बिकॉज अंदर तुम डेली करते हैं तो टेरेस का कुछ मज़ा ही और है, और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर व्यू है. सो हमने बाहर ही ब्रेकफास्ट करे. यू कैन सी मैडम जी इधर बैठे हैं. और मैडम जी, और क्या खाने का इरादा आपका? गाजर का तू लेके आना. मैं क्या कर रही हूँ? मैं रेटिंग दे रही हूँ. मेरी राइटिंग मत देखो. कम ऑन अंजलि, राइटिंग मत देखो. मेरी राइटिंग बहुत गंदी है. मैंने इनको 9/10/9/10 दिया सब, बिकॉज इट वॉज वेरी नाइस. तो या दैट्स इट. टीवी बंद कर. अभी ना एक इंसिडेंट हुआ, जैसे हम ब्रेकफास्ट करके नीचे रूम में आए, अंजलि बोलते दीदी मैं रेडी हो जाऊँ. मैंने बोला हाँ रेडी हो जा, फिर बोलती ये रूम की सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी. अंजलि कर ले. मैंने नहीं बोला कितना जूस हुआ. ओ तूने बोला पता क्या बोली, ये रूम की सफाई कर लूँ मैं, बोलते या बेचारे. होता है ऐसा यार, जब मैं अभी पहली बार रुकी होटल में तो मेरे को भी ऐसा लगा कि रूम की सफाई खुद करने पड़े. हमने इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए भाई. अंजलि चल कर ले तू. अंजलि तू मेरे को झूठा मत बोल. तूने बोला है नहीं? चल बोल. तूने बोला? मैं बिल्कुल भी नहीं बोला. सच बोला या नहीं? हाँ सच में बोला. इसने कहते मैं कपड़े पहन लू या मुझे रूम की सफाई कर लेती हूँ वाले रूम की. सीरियसली मैन,
हेलो गाइस, वेलकम बैक. सो मैं होगी रेडी. एंड एक्चुअली क्या हुआ ना, मास्क जब मैं ब्रेकफास्ट करके आई तो मास्क ना मैंने जैकेट के पॉकेट में रख दिया था एंड वो मैंने अपने बैग में रख दिया. और बैग में इतना ज़्यादा वो है, मतलब कपड़े हैं ना, मैं अगर बैग को ऊपर निकालूँ तो फिर वो मुश्किल हो जाए. इसलिए मैंने रिसेप्शन पे कॉल करा, वो मुझे एक्स्ट्रा मास्क देंगे. सो हम हो गए रेडी. अंजलि, आर यू रेडी? हाँ. और अगर ठंड की बात करूँ, सीरियसली स्वेटर पहना है इसने भी, यहाँ पे ठंड नहीं है. सीरियसली अगर कोई आ रहा है देहरादून तो ज़्यादा कपड़े कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने ना इतने मोटे मोटे कपड़े लाए हुए हैं ना, अब सोच रहे कि क्या ही करें, क्यों लेके आए. सो बस थोड़ी देर में हम एग्जिट करेंगे यहाँ से. सो बने रही हमारे साथ, बाय बाय. जा रहे हैं रिसेप्शन पे, हम ऑलरेडी लेट हो गए. आज अंजलि कम. हमारी टैक्सी आ गई है, भैया भी आ गए. मैं आपको थोड़ी बात लोकेशन को हमने अभी स्टार्ट कर लिया. अब हम मसूरी जा रहे हैं एंड देखते हैं हम कौन सी जगह पहले जाएंगे. एंड यहाँ पे मौसम अभी क्लाउडी है, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ज़्यादा ठंड नहीं है. सो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ आपको. सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा. एंड एक्चुअली क्या होता है ना, अगर मैं 10-11 मिनट से ज़्यादा ब्लॉग अपलोड करती हूँ ना, तो वो यू नो मेरे लिए भी बोरिंग हो जाता है एंड ऑल्सो आपके लिए भी बोरिंग हो जाता होगा आई एम श्योर, क्योंकि इतना लंबा ब्लॉग कोई देखता नहीं है आई थिंक. एंड बाकी अब मेरी ब्लॉग पे बने रहिए. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. बाकी मिलते हैं कल. बी सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय.